आपकी शान फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स अब प्रमाणित 55 एचपी में परफॉर्मेंस में जान बढ़ाए आपकी शान। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज फार्म ट्रैक का नया फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स जो प्रमाणित 55 एचपी में आता है 10 खूबियों का दम। तो ये 10 खूबियां क्या है उसकी बारीकी से जानकारी लेंगे। पहला 3514 सीसी वाला बड़ा इंजन जो पूरा का पूरा 55 एचपी प्रदान करता है, बेमिसाल ताकत जो चलाए बड़े से बड़े उपकरण बिना आरपीएम ड्रॉप किए, बेजोड़ परफॉर्मेंस के साथ। दूसरा 240 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ ज्यादा ताकत यानी अधिक लोड के काम को भी आसानी से करे। ईपीआई रिडक्शन, सबसे दमदार रिडक्शन टेक्नोलॉजी, अधिक लोड में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस। चौथा 49 एचपी पीटीओ पावर, बड़े बड़े उपकरण को चलाए बहुत आसानी से बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ। पांचवा 8+2 कांस्टेंट मेश गियरबॉक्स, हर काम के लिए उपयुक्त स्पीड, आरामदायक गियर शिफ्टिंग के साथ। छठा मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ, पीटीओ में मिले स्पीड के ज्यादा विकल्प, साथ में उल्टी घूमने की भी स्पीड, मतलब विभिन्न उपकरणों के साथ बेहतरीन साझेदारी। सातवां 1800 किलो हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक लिफ्ट क्षमता, भारी से भारी कार्यों में बेहतरीन प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ सेंसिंग टेक्नोलॉजी के साथ, ये दे एक समान जुताई व गहराई के साथ। आठवां 14/9/28 के बड़े टायर, विकल्प में 16/9/28 के और भी बड़े टायर उपलब्ध हैं। फायदा मिट्टी से बनाए बेजोड़ पकड़, व्हील स्लिपेज जैसे समस्या से मुक्त। नौवा पॉइंट पूरा का पूरा 500 घंटे सर्विस अंतराल वाला फिल्ट्रेशन सिस्टम, बार बार सर्विस के झंझट से छुट्टी, समय व धन की बचत। दसवा पॉइंट ड्यूल क्लच की सुविधा दी गई है, विकल्प में डबल क्लच भी आता है। डबल क्लच माने इसमें आपको अलग से इंडिपेंडेंट पीटीओ लीवर दिया जाता है। इस ट्रैक्टर में स्टाइलिंग की अगर बात करें, आपको इसमें मिलता है पूरा का पूरा सिंगल पीस बोनेट, एलईडी हेडलैम्प हैलोजन लेंस के साथ, और हाँ कंपनी फिटेड हैवी ड्यूटी फ्रंट बम्पर और वो भी टो हुक के साथ। आगे से अगर आप देखोगे तो फार्म ट्रैक का क्रोम वाला बैज दिया गया है सिल्वर लाइनिंग के साथ। हेडलाइट ही नहीं, पार्किंग हेजार्ड लाइट भी एलईडी है और पीछे ब्रेक लाइट भी एलईडी है। सेफ्टी के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल स्टाइलिश प्लेट दिया गया है और लिखा भी है हॉट, मतलब ये गर्म है। जैसे किसानों की जरूरत थी, इस ट्रैक्टर के अंदर टैंडम पंप की जगह हमने दो स्प्लिट पंप लगाए, एक पावर स्टीयरिंग के लिए एक हाइड्रोलिक पंप के लिए। आगे से अगर आप देखोगे तो इसमें आपको मिलता है फ्लेक्सी फ्रंट एक्सल, मतलब आगे का एक्सल ट्रैक पे आप एडजस्ट कर सकते हो जरूरत अनुसार, जो फायदेमंद है रो क्रॉपिंग में। इसमें आपको मिलता है स्प्लाइन टाइप स्पिंडल जो हैवी ड्यूटी कामों के लिए सक्षम है। इस ट्रैक्टर के अंदर बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग, मतलब दोनों तरफ से एक्चुएटिंग होता है, स्टीयरिंग व्हील आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हो। इसमें आपको मिलता है डीलक्स ड्राइवर सीट, ऑपरेटर की वेट के हिसाब से आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हो, मतलब लंबे समय तक इस ट्रैक्टर पे ऑपरेट करोगे बिना थके। इस ट्रैक्टर में आप देख सकते हो स्पोर्टी 3-स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जो बहुत ही आसानी से एक हाथ से पूरी ट्रैक्टर को आप काट सकते हो। इस ट्रैक्टर में आपको प्राप्त होता है आकर्षक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्योंकि इसमें आपको प्राप्त होता है डिजिटल आर मीटर, साथ ही साथ दिन में अलग रात में अलग दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें आपको मिलता है दो लीवर वाला हाइड्रोलिक्स, एडिशनली ऑक्सिलरी लीवर भी दिया गया है। बात करते हैं फेंडर की तरफ वाला काला लीवर, इसको हम बोलते हैं पोजीशन लीवर, लिखा भी है यहाँ पर। पोजीशन लीवर इस्तेमाल आप कर सकते हो जहाँ पर कम गहराई में जो उपकरण चलाना चाहोगे, सेकेंडरी उपकरण रोटोवेटर लेवलर या सीड ड्रिल। उसके बगल वाला लीवर जो केसरी रंग का है, इसको बोलते हैं ड्राफ्ट लीवर, जिसमें ADDC सेंसिंग उपलब्ध होता है, गहराई में जाके काम करने वाले उपकरण को चलाने के लिए कारगर होता है, जैसे कि प्राइमरी उपकरण, MB प्लो, सब सॉइलर या कल्टीवेटर। सबसे मुख्य बात, ये दोनों लीवर को मिक्स करके भी चला सकते हो, उसको ब्लेंडिंग या मिक्स कंट्रोल भी कहा जाता है। हाइड्रोलिक्स के अंदर हम प्रदान करते हैं ट्रांसपोर्ट लॉक, माने अगर आप इस नॉब को लॉक कर दोगे पूरा तो ये ट्रांसपोर्ट लॉक का काम करेगा। और हाँ, पीछे की तरफ अगर आप QRC कपलर में टिपिंग ट्रॉली का पाइप लगा रखा है तो इस लीवर से आप टिपिंग ट्रॉली को उठा या गिरा भी सकते हो। इसके अलावा इसमें डबल QRC कपलर दिया गया है,
मतलब दो हाइड्रोलिक प्रेशर वाले कोई भी उपकरण भी आसानी से इससे चला सकते हो। हाइड्रोलिक के अंदर इस ट्रैक्टर में आपको प्राप्त होता है स्पेशल टॉपलिंग माउंटिंग ब्रैकेट, क्योंकि इसके अंदर जैसे जमीन वैसे आप सेंसिंग की सुविधा सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर वाला जो होल है उसको सिलेक्ट करोगे तो ये सॉफ्ट या नरम सॉइल के लिए हो गया, बीच वाला माध्यम या मीडियम सॉइल के लिए हो गया, और नीचे वाले होल पे जब आप टॉपलिंग माउंट करोगे तो ये हो जाता है हार्ड सॉइल के लिए, जहाँ पर सख्त मिट्टी है और सेंसिंग आपको कम चाहिए। तो जैसे मिट्टी वैसे ये हाइड्रोलिक मिट्टी को सेंस करते हुए काम करेगा। इसका फायदा ट्रैक्टर पे लोड कम लगेगा और जब जुताई करोगे तो डेप्थ एक समान पूरी खेत में आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हो पूरा का पूरा फ्लैट बैकेंड है टो हुक के साथ। बड़ी ट्रॉली, माध्यम ट्रॉली या छोटी ट्रॉली जैसी जरूरत वैसे आसानी से जोड़ के आप चला सकते हो। इसमें आपको प्राप्त होता है एडजस्टेबल लिफ्ट रॉड। ये फायदेमंद होता है जब भी आप इम्प्लीमेंट बांधने के बाद इम्प्लीमेंट की हॉरिजॉन्टल लेवल सही करने के लिए। और ये जो एडजस्टेबल लिफ्ट रॉड आप देख रहे हो ये ऑटो लॉक सिस्टम वाला है, मतलब आपने एडजस्ट करके छोड़ दिया वहीं पे ये लॉक हो जाता है उसी एडजस्टमेंट पे। इस ट्रैक्टर में आपको प्राप्त होता है पिन टाइप हैवी ड्यूटी स्टे बार। इसको एडजस्ट करने में आसानी और हैवी ड्यूटी भी है। इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है पूरे 5 साल का वारंटी। हम बोलते ही नहीं लिख के भी आपको देते हैं पूरा 5 साल का वारंटी या 5000 घंटे। तो दोस्तों एक मुख्य फीचर मैं आपको बताना चाहूंगा और उसका नाम है केयर डायरेक्ट 24/7। इसका मतलब एक बटन दबा के कंपनी के साथ आप कभी भी जुड़ सकते हो। कोई तकनीकी जानकारी या छोटी समस्या या ट्रैक्टर की बुकिंग भी आप इससे कर सकते हो। तो दोस्तों आज आपने जाना फार्म ट्रैक का नया शान फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स। तो देर किस बात की, नजदीकी डीलरशिप पे जाइए, फार्म ट्रैक 60 का डेमो लीजिए। धन्यवाद।